नमस्कार, पापा मम्मी किचन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको चाय के साथ या खाने के साथ आलू के भुजे खाना पसंद है तो आज मैं आपको आलू की मठरी बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही खस्ता बन के तैयार होती है। इस तरह की मठरी बना करके आप लिक टाइट डब्बे में भर के रख देंगे तो महीने भर भी ख़राब नहीं होती है। तो आइए आलू की मठरी बनाना शुरू करते हैं। आलू की मठरी बनाने के लिए हमने एक बड़ी साइज का आलू लिया है, जिसका वजन लगभग 150 ग्राम है। इस आलू को मैंने कुकर में डाल के 3 सीटी तक उबाल लिया था। आलू अच्छे से उबल के तैयार हो गया है, इसके ऊपर का छिलका मैंने निकाल लिया है। कभी भी आप मठरी बनाएं, आलू को उस समय आप अच्छे से उबाल के लें। अभी इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। आलू को कद्दूकस करने के लिए हमने महीन वाला कद्दूकस लिया है। आप कभी भी ज़्यादातर हो सके आलू को कद्दूकस करके लें। यदि आप हाथ से मैश करें तो इतना अच्छा मैश होना चाहिए कि उसमें कोई तरह की गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। ये मैंने बड़ी साइज़ का आलू लिया है, इसलिए एक लिया है। यदि आप मध्यम आकार का आलू लेते हैं तो 2 ले सकते हैं। छोटी साइज़ का आलू लेते हैं तो 3 भी ले सकते हैं। इस तरह से पूरे आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप देख पा रहे हैं आलू एकदम अच्छे से कद्दूकस हुआ है। हाथ से जब हम मैश करते हैं तो इतना अच्छा मैश नहीं होता है। अभी इसे साइड में रख देते हैं। अभी मठरी बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा लिया है। आप चाहे तो गेहूँ काटा लेकर के भी आप मठरी बना सकते हैं। इस मैदे को हम बाउल में ले लेंगे। इसका वजन लगभग 175 ग्राम है। अभी इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को कभी भी इस तरह से मसल के डालेंगे, जिससे उसकी खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आएगी। मठरी के अंदर खास तौर से अजवाइन की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। 1 टीस्पून जितना इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। 1/2 छोटा चम्मच इसमें हम नमक डाल देते हैं। मठरी में आप थोड़ा नमक कम ही डाल के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अभी 1 टेबल स्पून इसमें हम घी डाल देते हैं। घी का मोयन मठरी में ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहे तो तेल का मोयन डाल के भी बना सकते हैं। आप इसमें घी का मोयन डालेंगे और तेल में फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छी मठरी लगेगी। खाने में ऐसी लगेगी जैसे घी से ही मठरी बनी हुई है, इसीलिए मैं घी का मोयन डाल रही हूँ। आप चाहे तो तेल का भी डाल सकते हैं। मोयन को हम अच्छे से सब जगह मिक्स कर लेते हैं। मठरी के अंदर ज़्यादा सामान तो नहीं लगता है, पर चीज़ें जब डालते हैं तो इसमें अच्छे से नाप से डालना चाहिए, तब हमारी मठरी ज़्यादा अच्छे से बन के तैयार होती है और खस्ता बन के तैयार होती है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने घी डाला है। आलू डाल रहे हैं इसीलिए इसमें घी कम ही डालना है। तेल या घी जो भी आप डाल रहे हैं उसको थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि आलू डालने से भी इसमें खस्तापन आता है। अभी जो आलू हमने मैश करके रखे हैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू को कभी भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यदि आटा गीला हो जाएगा तो उसमें आपको थोड़ा सा मैदा और डालना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें आलू डालें। ये पूरा आलू जो हमने कद्दूकस करके रखा है वो इसमें डाल दिया है। काफ़ी लोगों को चाय के साथ में आलू का भुजिया वगैरह खाना बहुत पसंद होता है, तो यदि इस तरह की मठरी आप बना करके रख देंगे तो चाय के साथ में आपको बहुत अच्छी लगेगी। यदि आप कहीं घूमने के लिए भी जा रहे हैं तो इस तरह की मठरी बना करके साथ में ले जाते हैं तो आपको उस समय भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। यदि आपको इसमें पानी नहीं डालना है, यदि आपके पास आलू बचा हुआ पड़ा है तो आप आलू भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। आटा इसका हम टाइट बना करके तैयार करेंगे, इसीलिए मैंने ज़्यादा आलू उबाल के नहीं रखा है। थोड़ा 1/2 टेबल स्पून जितना पानी इसमें डाल देते हैं तो चल जाता है। लगभग इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जितना पानी डाला है और आटा अच्छे से गूंद के तैयार हो गया है। यदि आलू ज़्यादा लेते हैं तो पीछे आलू पड़ा रह जाता है। आप देख पा रहे हैं कि आटा काफ़ी टाइट गूंद के तैयार हुआ है। अभी इसे ढक्कन लगा करके हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम 3 टेबल स्पून जितना मैदा ले लेंगे। आप चाहे तो गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं और इसमें हम 3 टेबल स्पून जितना ही इसमें घी डाल देते हैं। आप इसकी जगह पर तेल भी डाल सकते हैं। इसका पेस्ट हमें बहुत ज़्यादा पतला बनाकर तैयार नहीं करना है, इसी तरह का गाढ़ा पेस्ट बन के तैयार होना चाहिए। 3 टेबल स्पून मैदे में 3 टेबल स्पून घी या तेल आपको डालना है, जिससे पेस्ट अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा और पेस्ट इतना गाढ़ा होना चाहिए। देखिए रिबिन की तरह गिर रहा है। अभी मठरी को आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट में आटा अच्छा सॉफ्ट हो गया है। 10 से 15 मिनट में आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। अभी इसको एक बार वापस अच्छे से गूंद लेते हैं। सॉफ्ट होने के बाद में अच्छे से गूंद लेते हैं तो आटा एकदम स्मूथ हो जाता है। अभी आटा देख पा रहे हैं कितना अच्छा स्मूथ दिख रहा है। इसकी अभी हम 3 लोई तोड़ लेते हैं और अभी इसे हम अच्छे से गोल बना लेते हैं। अभी हमने 1 लोई लिया है और एक बार इस पाटे के ऊपर थोड़ा सा हम घी या तेल लगा देते हैं। थोड़ा सा लगाएं, ज़्यादा नहीं, और इसको इधर रख देंगे और बेलन के ऊपर भी थोड़ा सा घी तेल लगा दें, जिससे कि चिपके नहीं, हल्का सा लगा दें, फिर इसे बेल देंगे।
इसके लिए आप गोल बेलने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो लंबा स्क्वायर कैसे भी बेल सकते हैं। इस तरह से हमने पतला बेल के तैयार कर लिया। आप देख पा रहे, देखिए बहुत ही पतला हमने बेल के तैयार किया, ज़्यादा मोटा नहीं बेलने का इसका। अभी जो पेस्ट हमने बना के रखा है, थोड़ा सा पेस्ट इसके ऊपर लगा देंगे और सब जगह फैला देंगे इस पेस्ट को। पतली एक लेयर फैलानी है बस खाली, जिससे क्या मटरी अच्छी खस्ता बन के तैयार होगी। बहुत ही पतला लेयर लगाना है और सब जगह लग जाना चाहिए, कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। इस तरह सब जगह मैंने लगा दिए। अभी इसको हम गोल गोल कर लेंगे, इस तरह से गोल लपेट लेंगे, आराम से आप लपेट पाएंगे इसको। इस तरह से गोल गोल कर लें, अच्छा टाइट टाइट बना के तैयार करें। ईजीली बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट हो जाता है काम। इससे क्या मटरी खस्ता भी बनती है और दिखने में भी अच्छी लगेगी, और एक जैसे लोई भी अपन तोड़ पाएंगे इसे। अभी थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेते हैं, जिससे क्या इसके अंदर कोई हवा वगैरह रह गई होगी तो भी ठीक हो जाएगी। साइड में भी आप इस तरह से कर ले, बराबर सब जगह से एक जैसे हो जाना चाहिए। अभी इसकी हम छोटी छोटी लोई तोड़ लेते हैं। जितनी बड़ी मटरी बनानी हो उस हिसाब से आपको लोई तोड़ना है, पर छोटे छोटे लोई तोड़ेंगे तो मटरी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। आराम से आप इस तरह से काट के तैयार कर लेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए कितनी अच्छी लेयर इसके अंदर बन गई है पूरी। इस हर एक लेयर के अंदर थोड़ा घी का लेयर लग गया है, इसीलिए ये मटेरियल ज़्यादा खस्ता बनेगी। इस तरह से हमने सब लोई बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे और अच्छे लोई बन के तैयार हुए हैं। अब इसको साइड में रख देते हैं, मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। एक बार इसको हल्का सा दबा दें इस तरह से और फिर इसे बेल लेंगे, अच्छा पतला बेल करके तैयार करें इसको। बहुत ही अच्छा देर वाला बन के तैयार होगा। अभी उसके ऊपर थोड़ा सा हम जो पेस्ट बना के रखा है इस पेस्ट को लगा देंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर लगा दें पेस्ट, इससे बहुत ही खस्ता बनेंगे। यहाँ से उठाएंगे इसको और इस तरह से कर देंगे, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा लगाना है, हल्की सी पतली सी लेयर लगनी चाहिए बस। तो इसके इस तरह से इसको भी फोल्ड कर देंगे, हल्का सा दबा के बाद में इसको इस तरह से बेल लेंगे। इसकी बहुत ही लेयर है, अलग अलग से खुली खुली लेयर बनेगी। अभी जो हमने ये फॉर्क लिया है इस तरह से होल कर देंगे। आपके पास टूथपिक हो तो टूथपिक से भी होल कर सकते हैं। ये करने का कारण ये होता है कि नहीं तो फूल जाएंगे, ऐसा करने से फूलेंगे नहीं, तो दोनों साइड में आप होल कर लें। ये काम बहुत ही ईजी होता है, ज़रूरी नहीं अपने करने का, अपन बना बना के रख दें, बच्चे पास में बैठे बैठे होल कर देते हैं। इस तरह से बच्चों को भी अच्छा लगता है काम करना। इस तरह से देखिए बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो गया। इस तरह से हमने सभी मटरी बना करके तैयार कर ली है, और आप देख पा रहे एक कप के अंदर बहुत सारी मटरी बन के तैयार हो गई है। अभी इसे हम फ्राई कर लेंगे, तो साइड में हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अभी एक एक करके मटरी को इसमें डाल देते हैं, धीरे धीरे मटरी ऊपर आने लग जाती है। इस समय आप एक बार सब मटरी को पलट लें, उसके बाद में आँच को आप धीरे करें, जिससे मटरी अच्छे से पक के तैयार होगी और खस्ता बन के तैयार होगी। ज़्यादा तेज़ आँच में करेंगे तो मटरी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि बाहर से तो पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इस तरह से हमारी सभी मटरी बन के तैयार हो गए हैं, आप देख पा रहे हैं कितनी खस्ता बन के तैयार हुई है, और इसकी लेयर बहुत ही अच्छी खिली खिली बनी है। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए थोड़ा हल्का सा दबाते ही टूट जाती है,
हल्का सा दबाएंगे, खाली हल्का सा दबाते ही चूरा चूरा हो जाती है। देखिए इस तरह की मटरी बना करके आप सुबह चाय के साथ, दोपहर के चाय के साथ जब मेहमानों को भी सर्व करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको आलू की मटरी की रेसिपी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।